इस साइड में पेन चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा are you? Are you, no? आ रही है आ रही है ना देखो आप शेयर कर दो खांगे इसका सभी को जय हिंद और जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम क्लासेस को एक क्रम में स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमारा जो शेड्यूल बनाया है हम लोग ने प्रॉपर उसको मंडे से स्टार्ट करने का है लेकिन आज हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं कि हम स्टार्ट करें लेकिन जो मेरी आप सभी से बात हुई थी कि हमें क्वेश्चंस की संख्याओं को देखते हुए आ, कि मैग्जिम क्वेश्चन किस टॉपिक से या किस टॉपिक में ज़्यादा सिलेबस को महत्व तो दिया गया है उसको बेस करके आगे बढ़ना है तो मध्य प्रदेश से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन जब क्लास एक सिस्टमेटिक क्लास चालू होगी तो उस पर हमारा शेड्यूल वही रहेगा सबसे पहले करेंट इवेंट्स करेंट इवेंट्स के बाद मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद भारत का भूगोल हम इस तरह से एक जो क्रम मैंने आयोग कमीशन इस तरह से आधे आधे घंटे की हम एक स्लॉट पर क्लास रखेंगे इसमें सभी को फायदा हो ठीक है तो मध्य प्रदेश में काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी और बहुत डिटेल पे हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का भूगोल मध्य प्रदेश का इतिहास हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इन सब चीज़ों को क्योंकि मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा प्रयास करें ठीक है तो वो शुरू कर रहे हैं और जिन बच्चों का मध्य प्रदेश छूटा हुआ है तो उनके लिए हम एक बार फिर पुनः स्टार्ट करेंगे उसको एक मैराथन क्लास के रूप में कि जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है महत्वपूर्ण चीज़ें कैसे याद रखना है उसको हम आधार बनाकर आगे बढ़ेंगे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति उसको हम पढ़ें कैसे और पूछा कैसे जाता है वो हमें पता होना चाहिए और बोर्ड भी शायद सबको क्लियर हो रहा होगा कि क्या है सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं कि कला संस्कृति क्या है तो आपको ये आइडिया हो बेसिक कि ये कैसे होता है मध्य प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश में बहुत सारी एक डाइवर्सिटी है विविधता है मैं मध्य प्रदेश को हमेशा कला संस्कृति के विषय को लेकर हम बोलें कि मध्य प्रदेश एक लघु भारत के रूप में है तो इसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं होती क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत भारतीय संस्कृति का एक स्वरूप दिखाई देता है तो जब हमारे बीच में कलाओं को तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि कला क्या है सबको आइडिया होता है कला के बारे में तो सबको बहुत पता होता है कि हमारी कला है चित्रकला है, है ना या लोक कला है इस तरह की हमारी बहुत सारी हैं लोक साहित्य है तो कला ये आर्ट सबको पता है कि क्या होता है तो यदि हम आ, अगर इसको देखें तो, कि आर्ट क्या है तो ये आर्ट वाला पार्ट जो है आप सबको पता रहता है कि कला क्या है तो कला हम अभी देखेंगे भी नीचे की कला कितने प्रकार की है लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि संस्कृति क्या है और ये इंट्रो में भी पूछ लिया जाता है कि संस्कृति क्या तो बहुत ही सरल भाषा में कि हम अपने आप से जुड़ें कि क्या संस्कृति क्या है जिस जगह पे हमारे आचार विचार हमारी विचारधारा है हमारी आइडियोलॉजी है या हमारा रहन सहन है हमारा खान पान है हमारी परंपराएं हैं हैं है, हमारे तीज त्यौहार हैं ये सब हमारी संस्कृति का एक पार्ट है तो बहुत सरल शब्दों में अगर आपसे कोई पूछता है कि संस्कृति क्या है तो संस्कृति हमारे मन में एक विचार आता है तो विचारधारा जो विचार आता है उसको हम अपने संस्कारों में उसका उपयोग करते हैं तो वो संस्कार और परंपराएं हम बड़ों का आदर करते हैं उनको अपने साथ संगठित करते हैं जोड़ते हैं या हम कुछ सामूहिक रूप से कार्यक्रम करते हैं ये तो संस्कृति बहुत कठिन परिभाषा नहीं है एकदम सरल परिभाषा है कि हमारे विचार हमारा रहन सहन हमारा खान पान हमारी परंपराएं ये सब हमारी एक संस्कृति का पाठ है तो कोई भी सामान्य सी किताब अगर हम पढ़ेंगे तो कला तो हमने देखा ना कि चित्रकला है नाट्यकला है कला है, कला है, कला है, है ना लोक कलाएं बहुत सारी कलाएं पढ़ेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी संस्कृति के बहुत ही सिंपल सा कि यदि एक व्यक्ति से पूछा जाए तो सबसे पहले उसके अंदर एक विचार आता है उसको अपने संस्कारों में अपनी परंपराओं में अपने रहन सहन में अपने खान पान में आचार विचार में लाता है यही हमारी संस्कृति है इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है जो दुनिया की सबसे अच्छी परिभाषा वो होती है जो हमें याद रहे जो हम आसानी से लोगों को बता सकें आसानी से एक्सप्लेन कर सकें सरलता ही सबसे अच्छी चीज होती है जो हम किसी भी समय लिख सकते हैं जब ये टेन वर्ड में आएगा फिफ्टी वर्ड में आएगा तो हम लिख सकते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं तो इस प्रकार हम आगे देखें तो यहाँ लिखा भी है आप देखोगे कि किसी समाज आगे ना समाज है ना तो किसी समाज आगे क्षेत्र विशिष्ट जाति समूह में हो सकता है हम बहुत लंबे समय पर विचार आगे विचार विश्वास रहन सहन आया ना खान पान जो मैं अभी बोल रहा था आपसे तो प्रवृत्तियां हैं ये सब हमारी क्या है यही तो हमारी कल्चर है हमारा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तो मैं इसको एक फॉर्मेट में जब देखता हूं एक सिनोपिस पे देखता हूं तो कैसे देखना है हमें सबसे पहले मेरे अंदर एक विचार आता है हमने देखा हम एक समाज के जहां हमारा एक सोशलाइजेशन हुआ है जिस व्यवस्था में हम रहते हैं तो हम एक समाज के पार्ट है तो हमें एक विचार आता है और हम अपने समाज के प्रति कुछ चीजों को लेकर विश्वास रखते हैं विश्वास आ गया फिर हम जो विचार है उसको अपने रहन सहन पर अपनाते हैं रहन सहन आ गया फिर वही हमारे खान पान का हिस्सा बनता है खान पान आ गया आ गया ना और वही हमारी परंपराएं बन जाती हैं वही हमारा कस्टम बन जाता है इसी को संस्कृति कहते हैं तो आपको अंतर्मन से जो निकला है उसका एक जो क्रम है उसको अगर आप फॉलो कर दो वही संस्कृति ये डेफिनेशन कभी भूलती नहीं कि मेरे अंदर एक विचार आया क्योंकि मैं एक समाज में रहता हूं तो मेरे विचार आया मैं उसके प्रति एक पॉजिटिविटी एक विश्वास रखता हूं और जो विश्वास है जिन चीजों का उसको मैं अपने रहन सहन में अपनाता हूं उसको मैं अपने खान पान पर अपनाता हूँ उसको मेरी वो दीर्घकालीन समय से चली आ रही हमारे बुजुर्गों की धरोहर है हमारी पूरी भारतीय व्यवस्थाओं की परंपराएं हैं वो और इन सबको जब सामूहिक रूप देखते हैं यही हमारा कल्चर यही हमारी संस्कृति इसकी परिभाषा को ये जो परिभाषा है वो हमें मुख्यतः मेंस एग्जामिनेशन पर काम आ सकती है टेन वर्ड पे लिखने के लिए या हमारे पास आ सकता है पचास शब्दों पे लिखने के लिए या हमसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि संस्कृति क्या है तो हम बता सकते हैं बहुत आसान है और इस पर हमारे आसपास की जो धार्मिक परंपराएं हैं जो भौगोलिक संरचनाएं हैं या हमारे सामाजिक संरचना जो है या हमारे जाति समूह की संरचना है इन सब का भी प्रभाव पड़ता है तो ये इस पर भी हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति को और परिष्कृत बनाती हैं ये सब चीजें तो वो भी हमने इस पर लिख के रखा हुआ है फिर हम आगे देखें तो मैंने कहा बहुत सरलता से कि मध्य प्रदेश को कला और संस्कृति के हम देखते कितने अंग हैं तो यदि हम मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के अंग की बात करें कि कला तो मैंने बताया ना अभी हम देखेंगे ये सब क्या है लोक गायन एक कला है लोक नृत्य एक कला है लोक लोकनाट्य कला है चित्रकला है कला है, है बहुत सारी और अभी हमने संस्कृति की भी बात की संस्कृति क्या है तो उन्हीं को मध्यप्रदेश की कला और संस्कृति के जो अंग माने गए हैं मुख्यता वो है लोक गायन हम लोक गायन के बारे में पढ़ेंगे है ना लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे लोक नाट्य के, के बारे में पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में शिल्प कला मैंने एमपी का लकी नंबर फाइव बोला था कि एमपी का लकी नंबर फाइव है, है ना? क्योंकि मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को टच करता पांच। है पांच जनसंख्या में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है फाइव तो हमने मध्य प्रदेश को फाइव तो देखो फाइव हिस्से में बांटा है मध्य प्रदेश की मिट्टियों को भी देखेंगे पांच हिस्से पे बांटा हुआ है कि पांच प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में मिलती हैं तो हमने फाइव से एक दो तीन चार पांच पे डिवाइड कर दिया तो एक तो इजी हो गया कि, कि कितने हिस्से में बांटा हमने पांच फिर हम देख रहे हैं कि है ना तो हम देखें अब मान लो इसको भी भूल गए आप कि गायन नृत्य नाट्य चित्रकला कला शिल्पकला इसका भी एक छोटा सा कोड बना सकते हैं है ना जैसे हम बोलते हैं है ना मैंने लिखा गाना गाना आगे गया ना नाचिस कोई गाना गाइस और कोई नाचिस नाचिस कर दिया अपन ने गाना नाचिस कितना इजी हो गया गाना नाचिस है ना गाना से हो गया लोग ना से हो गया, हम एक बार नृत्य कर लिया एक बार ना से नाट्य कर लेंगे अच्छा से हो गया चित्रकला हो गया एक से अपन ने शिल्प कला कर ली इजी हो गया गाना ना है ना लिखा गाना नाचिस वैसे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आप लोग इतने समझदार और इतनी अच्छी आप लोगों की मेमोरी है कि आप लोग कर सकते हैं कि गायन लोक गायन लोक नृत्य लोकनाट्य लोक चित्रकला और कला और, और मतपेश का लकी नंबर फाइव है तो फाइव इसके डिवीजन है इसका क्लासिफिकेशन पांच हिस्सों पे किया गया है और पांचों हिस्सों को याद रखना है तो पता है गाना नाचिस भी कर सकते हैं गा से हो गया गायन ना से हो गया नृत्य ना से हो गया नाट्य और चा से हो गया चित्रकला सा से हो गया शिल्पकला ऐसा भी कर सकते हैं अब हम इनकी बहुत डिटेल पर जाकर इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से क्योंकि मैंने कहा कि हमारे लोग गायन परंपरा जो होती हैं या जो भी परंपराएं हैं उन पर आसपास के परिवेश का बहुत फर्क पड़ता है तो हम उन चीजों को भी डिटेल पर जाकर देखेंगे कि क्या चीजें हैं उनको समझेंगे है ना तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का लोक गायन अब मध्य प्रदेश का लोक गायन और मध्य प्रदेश की जो संस्कृति बटी हुई है ना जो सांस्कृतिक जो डिविजन होता है कि जहां हम देखते हैं कि एक मालवा एक निमाड़ एक बुंदेलखंड एक बघेलखंड और मैं आपको बता भी चुका हूं मध्यप्रदेश में जब भी कोई चीज आपसे ना बने तो याद रखना कि हमें बार बार मध्यप्रदेश का लकी नंबर या तो बी होता है या एम होता है या वी भी होता है बार बार आएगा ये मैं जब मध्यप्रदेश पढ़ा रहा था तब भी बताया था तो देखो बी से आगे आपका बुंदेलखंड बघेलखंड एम से आ गया मालवा और जहां एम होता है उसका रिलेशन हमेशा एन से होता है जैसे बोले नर्मदा नदी किसका पाठ है तो नर्मदा सोन घाटी देखना मालवा से जुड़ा हुआ पार्ट होता है तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा देखेंगे तो हम मालवा जो क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे कि मालवा के लोक गायन क्या है ना तो मालवा का लोक गायन ये आप सिंपल सा क्वेश्चन आता है अगर पूछेगा कट से कि संजा गीत कहाँ होता है ये मालवा का लोक गायन है कि बुंदेलखंड का है कि निमाड़ी का है इस तरह से पूछते हैं वो लोग बहुत इसके डिटेल में भी हम जाएंगे इसके डिटेल में कि भरथरी में क्या क्या होता है बहुत कठिन क्वेश्चन पे ही आता है लेकिन पूछेगा कि भरथरी मालवा का है कि निमाड़ का है कि बुंदेलखंड का कि बघेलखंड का पहले तो हमें फर्स्ट स्टेज में ये पता होना चाहिए जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन यही होते हैं कि मालवा में क्या क्या आता है तो जो बच्चे मालवा के हैं उनको याद करना बड़ा आसान है कि भरथरी है संजा है हीड़ है बरसाती है मालवा के बच्चों को ये आसानी से याद हो जाता है बुंदेलखंड के बच्चों को ये आसानी से याद जाता है क्योंकि उनके आसपास ये सब चीजें होती रहती हैं इसलिए उनको बहुत आसानी से याद हो जाता है इवन बघेलखंड रीबा सतना की तरफ के, के लोगों लो को ये याद जाता है खरगोन खंडवा के एरिया में निमाड़ी को ये याद जाता है लेकिन जरूरी नहीं कि जबलपुर में कोई व्यक्ति रह रहा है उसको मालवा के याद जाए क्योंकि वो तो मालवा में ही चर्चित है मालवा के आसपास के परिवेश में होते रहते हैं इसलिए उनको ये नाम कॉमन है से आप खुद देखें कि हमारे यहां भी हम बुंदेलखंड से थोड़ा जुड़े हुए मान तो तो कोडिंग कर लें कि कुछ ऐसा कोड बना लें और हम सीधे एक पढ़ें कि मालवा में ये लोक गायन होता है तो हमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि हमें अब कोड करने के लिए आप एक एक शब्दों को उठाइए और कोड कर लीजिए तो आपको आसानी से कोड में याद जाएगा कि मालवा का लोक गायन क्या क्या होता है वो आपको आइडिया होता चला जाएगा कि मालवा का क्या होता है 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 ना ना तो क्या है अब मान लीजिए कोई भी आप सर... जरूरी नहीं कि जो मैं कोड करूं वो आप करें आवश्यक है इस बात की कि आप कोशिश करें कि आप अपने सरल भाषा में करें तो मैंने जैसे इसका एक कोड किया है इसका इसका क्या है मान लो बनी है बा... नी बनी अब बात से देखो बरसाती भी आ जाएगा है ना निश्चित निर्गुणी गायन आ जाएगा बनी है है हैसे आ जाएगा हिड गायन आ जाएगा बनी है सांभर सांभर खाते ना सांभर इडली डोसा तो हमने लिख दिया सांभर बनी है सांभर घर में मालवा में जाएंगे तो हर घर वाले बोलेंगे बनी है सांभर इजी हो गया याद कितना आसान हो गया बनी है सांभर तो मालवा में जाएंगे तो गाना गाकर सुनाएंगे क्योंकि अपन लोग गायन के आप क्या खाएंगे तो तु तुरंत तु आंसर मिलेगा बनी है सांभर बनी है सांभर से याद हो गया बरसाती बरता होता है फिर निर्गुणी गायन होता है फिर हासे हिड़ गायन होता है सासे संजा गीत होता है, है ना? और भासे भरथरी होता है और रासे आ गया रेलो गीत हो उन लोगों को जो बुंदेलखंड में रहते हैं मालवा के शब्द उनके लिए आम शब्द नहीं है सामान्य शब्द नहीं है इसलिए बहुत इजी है बनी है सांभर हो सकता है आप इससे भी सरल कोई कोड कर लेकिन मैं एक बस तरीका बता रहा हूं बनी है सांभर अगर याद है तो अगर मेंस एग्जामिनेशन में भी आया कि मालवा में कौन कौन से पांच लोक गायन होते हैं या कौन कौन से लोक गायन होते हैं आप लिखिए अपने एक बार में लिख देंगे कि टेन वर्ड्स में आया आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे बस याद रखना है बनी है सामक याद गया अभी हम इसके डिटेल में भी जाएंगे लेकिन मेरा मानना है कि मैं ये विश्वास करता हूं कि जो जीता वही सिकंदर है कि हमें जीतने के लिए याद रखना जरूरी है मैंने कहा ना कि मालवा के लोगों को हो सकता है इसको कोड ना करना पड़े क्योंकि ये पूरे शब्द उनके लिए बहुत सामान्य शब्द होंगे और उनको हो सकता है बुंदेलखंड कठिन लगे और हो सकता है बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड का कोड ना करना पड़े मालवा का कोड करना पड़े तो मैं सभी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं कि हम जो मोटे मोटे वहां के लोग गायन है उसका कोड कर लिया बनी है सांभर बात से क्या आगे बरसात है और देखा जाए तो हमारे पास अब इसको और डिटेल में नहीं पढ़ना जैसे हम बारह भरथरी भरथरी जो भरथरी की गुफाएं हैं वो जैन में है वो मालवा का पाठ है सबको मालूम है कि भरथरी आपके विक्रमादित्य के बड़े भाई थे उनकी किताबें हैं आपने सुना होगा है ना कि आपने श्रृंगार शतक सुना होगा है ना श्रृंगार शतक सुना तो इनकी किताबें भी हैं आपने देखा होगा कि हमने देखा भरथरी का तो भरथरी के साहित्य भी हैं भरथरी की गुफाएं भी हैं उज्जैन में है और मालवा संस्कृति तो मालवा का ही पाठ होगा फिर हम देखें सांझ को सूरज कहाँ डूब जाता है सांझ को सूरज कहाँ डूब जाता है पश्चिम में जाकर डूब जाता है तो संजा कहाँ होती है संजा कहाँ हो जाती है संजा हो जाती है शाम कहाँ होती है हमारी पश्चिम में होती है और पश्चिम की तरफ हमारा मालवा है तो संजा गीत भी मालवा में ही होगा और भरथरी बताया मैंने कि उज्जैन में भर की गुफाएं हैं भर राजा हुए हैं है ना तो आपने देखा होगा कि उन्होंने आपने देखा होगा कि उनके साहित्य भी बड़े फेमस हैं भरतरी की गुफाएं और साहित्य तो देखो वही आ गया हीड़ गायन, हमने देखा होगा किसी चीज को हीड़ मतलब ढूंढते ढूंढते हम हमेशा अंधेरा हो जाता है सुबह से ढूंढ रहे थे तो हीड़ वही पश्चिम की तरफ जा रहे हैं बरसाती सबसे ज्यादा बरसात भी देखें जो पानी आता है हमारे पास आपने देखा होगा हमारे उसी तरफ से पानी आता है हमारे पास तो बरसाती भी वहीं से आती ऐसा कर सकते हैं है ना या हम देखें कि रेलो गीत रेलो के जितने भी ज्यादा से ज्यादा हम हेडक्वार्टर देखें वेस्टर्न रेलवे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे तो वैसा भी कर सकते हैं आप लोग लेकिन जिनको ये सब नहीं मालूम वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं बनी है संभर तो सबसे पहले तो हमें ये पूरे छः के छ

नहीं होना चाहिए मैं हमेशा कहता हूं मेरा पूरा फोकस एग्जाम वो 85 जो बहुत कॉमन आते हैं इनको बेस करके चलता हूं मैं मैं हमेशा कि अगर एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे मेरी गलती क्या नहीं होगी कि मालवा में किस तरह का लोग गायन है वो मुझे कन्फर्म रहेगा कोर्ट से समझ के इतना हो सकता है इसकी डिटेल की चीजें गलत हो जाएं लेकिन वो डिटेल इतना आता नहीं ये बस आपको वहां का गायन कहां का पता होना चाहिए अब इसी प्रकार हम निमाड़ की बात कर रहे हैं खंडवा खरगोन खंडवा खरगोन को आप जगत चाहें तो जैसे कलगी है संत सिंगा जी हैं खरगोन और खंडवा में बहुत फेमस रहे हैं संत सिंगा जी आपने देखा होगा उनके नाम पर एक थर्मल पावर प्लांट भी लगाया गया है ये भी आपको पता है या है ना मास लिखा हुआ है नाथपंथी लिखा हुआ है गरबा गरबी लिखा हुआ है तो ये सब अपन कर सकते हैं अब इसको भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस पर भी आपने है ना कि आप कोड कर दे इसको अब जैसे मा तो नाथ पंथी है तो कोट कर सकते हैं एक लिख सकते हैं नाग नाग कर दिया मैंने नाग आ गया है ना? अब नाग। अब नाग, जैसे मेरे इष्ट देव जो हमारे कुल देवता है वो नाग हैं हमारे परिवार में हम लोग नाग को कुल देवता मानते हैं तो हमने नाग की कसम लेते हैं हमेशा हमने कसम कर दिया सब नाग कसम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना से आ गया नाथपंथी, गा से आ गया गरबा गरबी और कहा से आ गया कलगी है ना और सात से आ गया आपने देखा होगा संत सिंगाजी और मा से आ गया मासाणिया नाग कशम और ज्यादा है हमें भूल रहा है तो ये ना निमाड़ी और ना नाग रिलेट भी कर लिया और जहां एम है एम के साथ हमेशा हमने बी को जोड़ दिया ये कोड हमारा यहां जाएगा ऐसे कर ले कोई बहुत बड़ी चीज तो है तो हमने देखा एक बनी है सांभर मालवा में जाओगे तो वहां हर घर में लोग बोलेंगे कि साहब बनी है सांभर खाओगे क्या है ना बनी है सांभर खाओगे क्या तो बस बनी है सांभर जब निमाड़ी ना फॉर निमाड़ी और वहां पर हमने देखा नाग कसम लोग वहां किसकी कसम खाते हैं नाग कसम ना से क्या हो गया हमने नाथपंथी हो गया घास से गरबा गर्भी हो गया घास कलगी तुर्रा कर लिया साहब है ना सा हमने संत सिंगा जी कर लिया माँ से हमने मसांडा कर लिया इजी हमने याद कर लिया इसको बहुत आसान हो गया हमें और ऊपर हमने कला और संस्कृति मध्य प्रदेश की की थी उसका भी हमने कोर्ट कर लिया था कि कला संस्कृति को हम कैसे याद रखेंगे वो भी हमने कर लिया था है ना तो वो भी अपन कर लेंगे फिर आया बुंदेलखंड कि बुंदेलखंड में क्या क्या होता है उसको हम देखें तो बुंदेलखंड में हर व्यक्ति को याद रहता कि आला होते हैं आला उधर जो जगनिक ने आलाखंड लिखा है जिसमें बावन युद्धों का वर्णन है, वीरस लिखे, आला गायन वहां होता है। भोला गीत भी होता है तो है ना बैराइट गायन भी होता है देवारी भी होता है देवारी कोई देवारी बोलता कोई दीपावली कहता है अपन देवारी बोल देते जगदेव का पुआरा होता है फाग होता है फाग देखो मुख्यता पुरुष लोग करते हैं फाग तो फाग गायन भी देखेंगे फाग होती है होली में होती है फाग और हरदौल की मनोती भी होती है तो बहुत सारी चीजें मैग्जिम बच्चों को आल्हा मालूम रहता है मैगजिम बच्चों को दिवारी मालूम रहता है मैगजम बच्चों को फाग मालूम रहता है और मैगजिम बच्चों को यह भी याद रहता है मनोती तो चाहे तो अगर बुंदेलखंड के हैं तो कोट करने की जरूरत नहीं और यदि आप मालवा के हैं और भूल रहे हैं तो आप कोट कर सकते हैं इसको भी बहुत अच्छे से कोट करके पढ़ें कि जिसमें आपको याद रहे हमेशा है ना देखिए बुंदेलखंड में क्या होता है तो राजा भोज का जो शासन है बुंदेलखंड तक फैल चुका था उन्हें अपनी अपनी उनका बुंदेलखंड तक राजा भोज का शासन पहुंच गया था ऐसा याद रखेंगे हम तो भोज से करने की कोशिश करेंगे कि हमने किया इसका कोड मान लीजिए भोज 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 से क्या आ गया भोला जा क्या आ गया जगदेव है ना तो भोज करते समय इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे है ना कि है ना जैसे कि हम कोट उन शब्दों का करें जो हमको याद रहे तो भोज है है ना अपन कह सकते हैं और भी अच्छा कोट कर सकते हैं भोज है है ना भोज आया है ना तो आपको दिखा होगा भोज आ गया ये दो चीज हो गई भोज है ना अपन ने फिर क्या कर दिया है आ गया फिर क्या कर रहे हैं है ना अब बचा क्या आपके पास फा बचा है ना फिर बा बचा फिर आ बचा है ना आपने क्या कर दिया भोज है है ना बे, आप चाहे तो अपा कर दें या कुछ एक वर्ड कुछ भी ले सकते हैं है ना तो उसको याद रखने का तरीका हो सकता है है ना तो उसको एक कोडिंग करें क्योंकि ये बुंदेलखंड के मुझे याद थे इसलिए मैंने इसके कोड बनाए नहीं है ना या भोज दे बेफा कर सकते हैं है ना तो भोज दे बैफा कर सकते हैं है ना तो भोज है या दे कर सकते हैं कि दे ये। ऐसा कर दे भोज दे आला सबको मालूम रहता है इसलिए आल्हा कोट करने की जरूरत नहीं है और चाहे तो आपकी मात्रा से अपन आला कर देंगे ठीक है ना तो बुंदेलखंड में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसको भोज देते हैं कि भोजन करके जाना भोज बहफा मतलब बेस्ट बेप देना अच्छा अच्छा भोजन देना अच्छी पार्टी देना है अपन उसको भी कोट करेंगे और बाद में आता है हम बात करेंगे कि बघेलखंड बघेलखंड में भी बस देवा गायन है बिरहा गायन है बांस गीत है सीदेव है पंड है घुटुल पाटा है आप चाहो तो इसका कोट कर ले और जो बघेलखंड में रहते हैं उनको तो है ना और करने की जरूरत नहीं है यहां मैं कर देता हूं बिबस बिबस बापू अपन देखे बिबस मतलब बेरहा बासे बस देवा सासे सीदेव फिर बा आ गया है ना गीत आ गया फिर पंडवानी आ गया है बिबस बापू अब बापू जब बिबस है तब उसने अपने बाल घुटा लिए बाल घुटा लिए बापू ने बिबस हो गया तो घोटुल भी कर लेंगे अपन घोटुल तो इस तरह से मेरा एक आपको पढ़ाने का जो एक ही उद्देश्य है आपको हर टेक्स्ट बुक में ये चीज मिल जाएगी जितने भी आप किताबें पढ़ेंगे सब पर ये आपको मिलेगा मेरा बस एक ही लक्ष्य होता है आपको पढ़ाने, पढ़ाते समय आपको याद हो जाए अगर हमें याद होगा तो हम एग्जाम जरूर निकालेंगे ऐसे हर टेक्स्ट बुक में लिखा है बहुत सारे चैनल्स में आपको मिलेगा लेकिन हमें कोशिश करना है याद करने की अब आता है हमने ये सब मोटा मोटा कोड कर लिया अब देखो हम कैसे याद करते हैं बहुत अच्छे से फिर से देखेंगे एक बार कि कैसे तो मालवा अगर हम जाएंगे तो मालवा जाएंगे तो भाई मालवा गए जैसे तो तू तुरंत लोग बोलेंगे बनी है सांभर बोले तो क्या बना है भाई खाने को कुछ बना है टाल बना है मालवा में तो मालवा में क्या बना है बनी है सांभर तो बनी है सांभर से बिल्कुल सिंपल सा बरसाती बढ़ता आ गया निर्गुणी गायन आ गया हैसे क्या आ गया हिड़ गायन आ गया सात से आपने देखा होगा संजा हो गीत हो गया भासे भरथरी हो गया रात से रैलो गीत हो गया तो बनी है सांभर मालवा में जाओगे तो हर घर में लोग एक ही आवाज करेंगे बनी है सांभर खाओगे क्या बनी है सांभर ये मालवा की पहचान है जब निवाड़ी में जा रहे हैं ना तो ना से ही हमारा कोड आएगा नाग कसम वहां लोग किसकी कसम खाते हैं नाग की तो नाग कसम तो ना से तो आ गया अपने पास आपने देखा होगा नाथपंथी हो गया गा से गरबा गरबी हो गया का से अपन देखते कलगी तुर्रा हो गया और सात से आ गया संत सिंगा जी को सब जानते हैं और मे मस मसान आ गया ये भी अपन देखेंगे तो नाग कसम कहां खाते हैं लोग क्योंकि किसी भी संत के पास जाओगे संत सिंगा जी के एरिया में जाओगे निमाड़ी में जाओगे तो कसम रखवाते हैं कि आप आप ड्रिंक नहीं करेंगे आप गलत चीजें नहीं करेंगे आप झूठ नहीं बोलेंगे कसम तो निमाड़ में गए और आपको नाग कसम रखाई लोगों ने मालवा में गए और सीधे बोलेंगे बनी है सामर खाना है क्या इसी प्रकार जब हम बुंदेलखंड जाते हैं तो बुंदेलखंड तक राजा भोज का शासन था तो हमने मुझे याद था इसलिए इसका कोड मैंने बहुत अलग से नहीं किया इसलिए मैं आपको अभी करके कर दिया है भोज दे है ना बहफा है ना या आप जो आपको करना है वो भी आप कर सकते हैं बहफा कर दिया है कर सकते हैं जो कुछ करना है तो भोज दे बहफा मैंने कर दिया कि राजा भोज का शासन वहां तक था बुंदेलखंड तक पहुंच गया था तो भोज दे बहफा आप इसका सरल कोड आप और भी कर सकते हैं बस जो बघेलखंड है बघेलखंड अपने बाघ के लिए फेमस है अपने टाइगर्स के लिए फेमस है कि बाघ के लिए जाना जाता है तो है ना और बाघ के सामने आप खड़े हो जाओ तो बिवश हो जाओगे कि एकदम आप भी टाइगर जैसे दिखोगे तो बाघ के सामने अच्छे अच्छे बिवस हो जाते हैं बिबस बापू है ना आप कह सकते हैं बिवस बापू इसलिए हमने बाघ बोला उसने बाघ ने बोला कि आप अपना सिर घुटा लो तो हमने घोटाले नहीं लिया घोटू और घोटुल छत्तीसगढ़ तरफ होता है वो लगा हुआ एरिया भी है घोटुल तो अपन देखेंगे तो बिबस बापू तो अब किसके सामने बिबस हो जाओगे टाइगर के सामने और टाइगर कहां मिलता है बघेलखंड बघेलखंड में ही बाघ से जोड़ दो या व्हाइट टाइगर से जोड़ दो जो सबसे पहले हमको वाइट टाइगर मिला था वो हमें कहा मिला था उन्नीस में कहा मिला था रीवा में रीवा के गोविंदगढ़ में मिला था हमें उन्नीस में, में। पंद्रह क्यों आ रहा है पांच क्यों आ रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश का लकी नंबर पांच है तो उन्नीस में बाघ वही मिला था बघेलखंड में तो आप बाघ से जोड़ दीजिए आपने देखा व्हाइट टाइगर सफारी भी कहां बना है सतना में बना है तो आप उससे जोड़ दीजिए तो बाघ का वो बेल्ट है टाइगर का बेल्ट है तो बिबस बापू तो अच्छे अच्छे लोग बिबस हो जाते हैं किसके सामने बाघ बाघ मतलब बघेलखंड तो बाप तो है ना तो बिबस बापू बघेलखंड का कोड है जैसे ही मालवा जाएंगे तो लोग बोलेंगे क्या बनी है सांभर है ना जैसे आप निमाड़ी जाएंगे संत सिंगा जी के एरिया में जाएंगे तो संत लोग आपसे तुरंत कसम रखवाएंगे तो आप क्या बोलेंगे नाग कसम वो कर दिया और राजा भोज का शासन बुंदेलखंड तक था भोज दे देख दिया हमने बहफा भोज दे बहफा वो बन कर क्लियर तो ये एक पार्ट जो है लोक गायन का आपको बहुत अच्छे से बनेगा यदि ये आपके पास टेन वर्ड्स पर आता है मेंस में तो आप लिख सकते हैं यदि आप ये फिफ्टी वर्ड में आता है तो हम ऐसा ही चार्ट बनाकर लिख सकते हैं और यदि थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड वर्ड में आएगा हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को आपकी तैयारी ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए इंट्रो में भी जब आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में बताओ तो आप बहुत प्यार से बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लोक गायन को हम चार हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं मालवा निमाड़ बुंदेलखंड बघेलखंड और जब आप ये बताएंगे कि मालवा में ये ये हैं तब एक प्रभाव चालू हो जाएगा शिक्षकों के ऊपर क्या देखो मालवा के सब मालूम है फिर बोलेंगे निमाड़ी की क्या है निमाड़ी का जैसे आप कोर्ट कंप्लीट करेंगे सब अरे सब मालूम है इसको अच्छा बघेलखंड बताइए बुंदेलखंड बताइए आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे मेंस में भी और इंटरव्यू में भी ये आपकी मेमोरी का बड़ा प्रभाव पड़ता है जहां आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होते तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पढ़ा होगा तो जब हम मालवा जाएंगे तो मालवा और जो मैं क्लास ले रहा हूँ क्लास जैसे ही ले रहा हूँ इसलिए आप लोग इसको लो क्लास जैसे ही इन्जॉय करना आप सभी लोग है ना कि क्लास में जो चलता है वैसा ही इन्जॉय करें कि मालवा जाएंगे तो पहला ही वर्ड होगा बनी है सांबर तो गायन का कोड है बनी है सामर। जैसे ही आप संत सिंगा जी के एरिया में निमाड़ जाएंगे पूर्वी निर्माण और पश्चिमी निमाड़ में जाएंगे क्योंकि एक संत आपसे क्या रखेगा कसम रखवाएगा कसम है ना किसकी नाग की या नाग कसम जो करना है और नाग पंचमी तो आती ही है बड़ा पर्व होता है उस एरिया में तो नाग कसम कर लिया अब मेरे तो कुल देवता ही नाग है इसलिए मैंने कर लिया नाग कसम इसी प्रकार जब आप बुंदेलखंड जाएंगे तो बुंदेलखंड तक राजा भोज का शासन था भोज दे बहफा कोट कर दिया मैंने वहां इसी प्रकार जब आप बघेलखंड बघेल मतलब बाघ बाघ मतलब टाइगर टाइगर के सामने अच्छे अच्छे हो जाते हैं तो बिबस बापू महात्मा गांधी भी बिबस हो गए उनके सामने तो बिबस बापू और उस पर अपन ने सब कर लिया बस बिरहा बांस सब कुछ कंप्लीट कर लिया क्लियर तो इतना जब हो जाएगा कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है कि मुझे ये सब याद हो रहा है समझ में आ रहा है हम अलग अलग भी उसके उसमें जाएंगे क्लियर कोडिंग सबने लिख ली होगी है ना और इसको बहुत अच्छे से कि मध्यप्रेस का लोक गायन को मैंने चार हिस्से में मालवा निमाड़ बुंदेलखंड बघेलखंड में डिवाइड किया है साथ ही मालवा के अंदर जो लिखा है बर्थरी है संजा गीत है हेड़ गायन है बरसाती है निर्गुणी है ये सब लिखा हुआ है आप आसानी से कर सकते हैं पढ़ सकते हैं है ना आपको दिक्कत नहीं जाएगी ये मेरा विश्वास है फिर निवाड़ी में कलगी तुर्रा है संत सिंगा जी है मसान्या है नागपंथी है गर। ये सब लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना ठीक है अब हम इसके थोड़े थोड़े डिटेल में जाकर भी समझेंगे कि क्या है इसमें मालवा लोक गायन हम देखते हैं है ना तो मालवा लोक गई में हम भरथरी की बात करते हैं कि भरथरी में क्या होता है यदि हम इसकी ही बात करते हैं तो तो आप देखिए हम जब भी मालवा क्षेत्र में लिखा है कि प्रातः काल नाथपंथी लोक एकल या सामूहिक जैसे मालवा क्षेत्र में जब हम सुबह उठेंगे तो अपने नाथ को याद करते हैं तो आपको यही पकड़ लेना है नाथ संप्रदाय जब भी हम कुछ खाते भी हैं अपन ने बात की ना कि बनी है सामर पहले भगवान को समर्पित करते हैं तो नाथ संप्रदाय के लोग अब हम खाना अकेले भी खाते हैं और सामूहिक भी खाते हैं तो आप देखा एकल भी होता है और सामूहिक रूप में भी होता है दोनों है तो क्या लिखा है भरथरी भरथरी राजा ने अकेले भी तपस्या की बहुत सारे संतों के साथ भी की तो एकल और सामूहिक रूप से होता है सितार तबला आपको मालूम है वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है और अभी प्राचीनतम है और जो प्राचीन समय से चला आता है वो एक परंपरा बन जाता है प्राचीन तो होगा क्योंकि तो राजा भरथरी तो बहुत पुराने हैं एंसियंट समय के हैं और उज्जैन के रहने वाले हैं तो प्राचीनतम और ये सब अपने मन से लिखने की जरूरत है है ना और नारियल की नट्टी बांस घोड़े पहले इसी से बनते थे लोग इन्हीं सब चीजों से वाद्य यंत्र बनाते थे तो आसानी से बन जाता है और छत्तीसगढ़ में भी भरथरी गायन होता है ये लिखा भी है इस पर है ना और जो भी ये गायन है नाथपंथी लोग होते हैं वो गोपीचंद कथा है ना या गोरखवाणी कबीर मीरा यही भक्ति संत हुए हैं हमारे भक्ति के लिए फेमस हैं अगर हम देखते हैं भरथरी जी अपनी भक्ति के लिए फेमस हैं मैंने बताया था कि उनकी किताबें हैं है ना कि उन्होंने लिखा है कि सिंगार शतक लिखा है आप श्रृंगार शतक पढ़िए उनका कितना जबरदस्त है ना कि उन्होंने जो किताबें लिखी तो ये उन्हीं के कारण फेमस हो रहा है एक तो भरथरी प्राचीन राजा है तो ये प्राचीन हमारा लोक गायन है एक वर्ड आ गया फिर प्राचीन समय में किस यंत्र का उपयोग होता था चिकारा हो गया सितार हो गया तबला हो गया काफी प्राचीन वाद्य यंत्र है हमारे और नारियल की नटी से बनना वाज से बनना घोड़े के बालों से इसको ने। तो ये पुरानी जो हमारे स्टूडेंट्स बनाने के तरीके हैं वही लिखा है और सबसे हम देखें कि नाथ संप्रदाय के लोग ऐसा करते आपको भरथरी उसको वैसे जोड़ना तो बहुत आसान है इसको पढ़ना बहुत और ये भक्ति के लिए जाने जाते हैं तो भक्ति के फेमस संत हुए जैसे मीराबाई हुई कबीर हुई गोरखवाणी हुई या गोपीचंद कथा हुई उससे जोड़ना इसको इसको ना तो आप आप आराम से ये डिटेल इतना आता नहीं परेशान ज्यादा नहीं होना लेकिन मैं आपको रेट कर रहा हूं एक संजय गीत हो गया संजय गीत अगर हम देखें संजा कब होती है शाम को संजा मतलब को। तो आप देखेंगे कि संजय गीत अब शाम को बच्चियां देखना मैं भी अपने घर में देखता था मेरी बुआ लोग जैसी शाम होती थी बढ़िया संध्या होती थी तो गांव में संध्या होती है तो कन्याएं जब अपने मायके में रहती हैं या अपने माता पिता के पास रहती हैं तो शाम होते ही दीप प्रज्वलित करके संध्या करती हैं माँ नर्मदा की संध्या होती है आप अपन देखें ग्वारी घाट में बनारस में होती है काशी में सब जगह होती है तो सांझ के जो गीत होता है संजा गीत और अक्सर घर में देखना जैसे गोधुल बेला होती है उसके जस्ट बाद है ना बच्चियां बढ़िया भगवान को आ, गायन करती है तो वही रेखा देखो मालवा क्षेत्र में संजा गीत किशोरियों द्वारा ये देखो किशोरियों द्वारा बच्चियां करती हैं बड़े नियम से करती हैं कई बार लड़के शाम को आरती करने में लापरवाही करते हैं लेकिन मम्मी दादी बुआ लोग सब सिखा देती हैं बच्चियों को शाम हो गई है ना ज्योति बंदन कर दो फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो किशोरियां बच्चियां और किशोरियां बच्चियां कहाँ होंगी अपने माता पिता के घर में गायन इसमें प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग होता है ना और पितृपक्ष में पितृपक्ष पिता के घर में मान लिया और शाम के समय शाम आ गया और नामी क्या है संजा संजा मतलब इवनिंग शाम को कितना आसान है कि संजा गीत आ गया अपन को और पहले से हमें याद है क्योंकि हमने कहा था ना है ना कि अपन ने पढ़ लिया था इसका कोड कर लिया बनी है सामर, है ना तो अब वही है संजा गीत तो किशोरियां करेंगी किशोरियां मतलब बच्चियां बच्चियां पिता के घर में होंगी क्योंकि विवाह मान लो नहीं हुआ पितृपक्ष तो हो गया और शाम को करते हैं संजा मतलब शाम और वाद्यंत्र का प्रयोग इसमें अब हर घर में जरूरी नहीं कि वाद्य यंत्र हो हर घर में तबला हो सितार हो जरूरी नहीं है तो शाम को बस आरती अपने मन से ही आरती कर लेते जरूरी नहीं कि वाद्य यंत्र हो तो इसमें लिखा है वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता कि हर घर में जरूरी नहीं है कि वाद्य यंत्र हो तो संजा का मतलब शाम किशोर या बच्चियां बहुत नियम से करती हैं आरती को नियम से आरती बच्चियां अच्छे से करती हैं और बच्चियां हैं मतलब पिता के घर में अभी मान लो विवाह नहीं तो हिड़ करा, तो गायन लिखा है क्षेत्र में ही लिखा है, लिखा है गायन की प्रथा है अब हमारी जब गाय गुम जाती है तो उसको ढूंढने जाते हैं हिड़ करने कहा गई गाय कहा गई हमारी भैंस कहां गई हमारी बकरियां कहां गई हमारी भीड़ तो उसको हीड़ करने जा रहे मतलब तो ढूंढने जा रहे हैं तो देखो मुख्यता कौन चढ़ाता है गाय को अहीर अहीरों का ढूंढने जा रहे हैं हीड़ने जा रहे हैं बोलते ना क्या हीड़ रहे हो क्या ढूंढ रहे हो क्या गुम गया क्या हीड़ रहे हो हीड़ रहे मतलब ढूंढ धूर रहे हो क्या ढूंढ रहे हो तो हमारी गाय को ढूंढने कौन जा रहा अहीर लोग ये देखो लोग आख्यान है और जो अहीर हैं वो हमारे कृषि से जुड़े हुए लोग होते हैं अहीर लोग जो है हमारे यहाँ मिश्रित खेती होती है मिश्रित खेती मतलब कृषि और पशुपालन को मिश्रित खेती कहते हैं तो हमने दोनों चीजों से जोड़ दिया देखो ये आ जाता है ना हिरण गायन अब सबसे ज्यादा दे देखा गाय का महत्व तो होली में दिवाली में होता है तो दिवाली और होली में होता है जन्माष्टमी भी आ गया जन्माष्टमी मतलब कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान भी गाय चराते थे तो गाय से जोड़ दिया नवरात्रि को भी जोड़ दिया आपने गोवर्धन पूजा को भी जोड़ दिया आपने याद हो गया सब तो क्या हिरने गए थे हिरण्य क्या गुम गया था आपका गाय गाय बैल भैंस बकरी भेड़ गुम गई तो हिड़ने गए कौन हीड़ता है उसको अहिर लोग तो अहिरों से जोड़ दिया आपने अहिरों से जोड़ दिया आपने अहिर को और हमारे यहां खेती मिश्रित खेती होती है तो आपने कृषि से जोड़ दिया उसको फिर हमने देखा कि कृष्ण भगवान से जुड़ी होली है हम दिवाली से भी जोड़ दे दिवाली में देखा गोवर्धन पूजा होती है दिवाली में फिर जन्माष्टमी मतलब कृष्ण से जोड़ना है नवरात्रि से जोड़ दिया तो इस तरह से आपको गोवर्धन पूजा से जोड़ दिया तो आसानी से यह भी आपको याद जाएगा बहुत ही मुश्किल नहीं है हीड़ का पता करना है कि हिर मतलब ढूंढना कि गाय गुम गई भेड़ गुम गई बकरी गुम गई उसको ढूंढने अहिर लोग जा रहे हैं और अहिर लोग इसको ढूंढ रहे हैं तो पशुपालन जो है हमारे मिश्रित खेती का पाठ है इसे कृषि से भी जुड़ेगा और पशुपालन में कृष्ण की भूमिका है तो कृष्ण से भी जुड़ेगा तो उनकी जन्माष्टमी से भी जुड़ेगा तो गोवर्धन पूजा से भी जुड़ेगा तो दिवाली में भी होती है तो उससे भी जुड़ेगा आपको यह पता होना चाहिए तो ऐसे अपने मन को समझाते हुए आगे बढ़ो कभी गलतियां नहीं होंगी याद रहेगा आप ठीक है ना तो संजा को क्या होती है संजा को हम आरती करते हैं कौन करती है किशोरी बच्चियां करती हैं तो किशोरी बच्ची होती है हर घर में आरती करते समय वाद्य यंत्र हो यह जरूरी नहीं तो वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है और पिता के घर में बड़े नियम से करते हैं शिव की आरती विष्णु की आरती ये सब करते हैं उसको आप छोड़ दें तो बहुत ही कठिन नहीं है आप आसानी से कर सकते हैं बरसाती इससे समझ में ही आ रहा है साहब कि अगर हम बरसाती की बात करें तो समझ में आ रहा है कि इसमें चंपू का भी लिखा है है ना जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है चंपू होता है जैसे मेरे बाल पूरे चिपके हुए तो चंपू अब पानी गिर जाता है और बाल को मैं नहा के निकलूंगा तो ऐसे चिपका लूंगा तो चंपू तो बरसाती बरसात में नदी में नहा रहे हैं बाल गीले हो गए या रास्ते में गीले हो गए तो एकदम चिपक जाते हैं बाल तो चंपू तो चंपू शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है आपने सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति को जो हमने देखा है कि हरिश्ण ने लिखा है समुद्रगुप्त के समय में वो भी चंपू शैली पर है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का उपयोग किया जाता है तो वही लिखा है चंपू काव्य है मालवीय है ना गद्य और पद्य दोनों में है वो लिखा है और बरसाती मतलब बरसात की ऋतु में होगा है जो बरसात के समय गाया जाता है इसे बरसाती कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि बरसाती में चंपू शैली से जोड़ना बस एक वर्ड है चंपू कि बरसात में जब पानी हो गिरता है तो हमारे बाल पूरे चिपक जाते हैं तो बोले ये चंपू टाइप के कैसे आ गए तो चंपू चिपक गए हैं और चंपू शैली मतलब तो जिसमें गद और पद दोनों होता है वही बरसाती आप उसको जोड़ देना फिर निर्गुणी गायन लिखा है निर्गुण जो ईश्वर को अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं सगुण रूप से नहीं मानते जैसे कबीर कबीर कभ को निर्गुण शाखा का संत कहा जाता है तो आप देखा निर्गुणी गायन लिखा हुआ है चिंतन परंपरा जिसमें कबीर का नाम लिखा है कि हम कबीर को जोड़ रहे हैं कबीर से तो कबीर है कबीर है ना कबीर से जोड़ना है नाश्वत ये लिखा भी है परमात्मा को मानना निर्गुण ही सब लोग समझते हैं जो निराकार ईश्वर को मानते हैं जो निराकार ईश्वर को जैसे हम देखते हैं, नानक मानते हैं कबीर मानते हैं तो ये जो लोग निराकार ईश्वर को मानते हैं उसको निर्गुण संत कहते हैं वही इनने लिखा है है ना तो वो आप आसानी से पढ़ लेंगे कबीर है मीरा है रैदास है इन कब सबको जोड़ देना इनका भजन होता है तो गायन हो जाएगा आपका रेलो गीत लिख दिया है ना यह भील और कोरकू जनजाति में गाया जाता है अगर पूछा जाता है तो नवयुवक नवयुक्तिया द्वारा गाया जाता है रेलो अब रोलो तो रोलो किसको बोला जाता है एक तो रोलो दो लोगों को बोलना है रोलो है ना तो रोलो रो बोलना हमें तो दो लोगों लो को बोलना है या तो कौन रोता है युवक रोते हैं नव रितियां रोती हैं बच्चे ही तो रोते हैं ना तो नवयुवक नव रितियां से जोड़ दिया अपन ने इसको एक दूसरा हमने देखा भील और कुरकु है ना जैसे बहुत महान विद्वान और धनुधर माना जाता है भील में एकलब जी को एकलब एक महान धनुर्धर थे तो वो महान धनुर्धर हैं एकलब जब उनको निकाल दिया गया तो हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा दुख व्यक्त किया हो दुख व्यक्त किया हो तो ये ऐसा हमने जोड़ लिया देखिए मेरा जो उद्देश्य है पढ़ाने का ऑनलाइन आप सबको याद कराना है किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है इसलिए आप याद रखना कि रेलो गीत से आपको जोड़ना है इसको नवयुवक युवतियों को हम कैसे बताएं तो हम इसको कर सकते हैं क्लियर तो इसको इतना डिटेल नहीं आएगा वो तो मैं जो पहले कोड कर चुका हूं उतना ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन तब भी हमको ये बनना चाहिए वो हमने कर लिया है ना फिर आ गया निवाणी लोक गायन के बारे में निवाणी लोक गायन में लिखा है कुलगी तुर्रा हम बोलते हैं एक दूसरे को तुर्रा दिखाना एक दूसरे को गुस्सा दिखाना एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना तो नाम ही है कलगी तुर्रा तुर्रा कलगी मतलब एक दूसरे से क्या करना प्रतिस्पर्धा करना एक दूसरे से आप देखो प्रतियोगिता करना एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना है ना आप देखा होगा अब दोनों लोगों दो लोगों की प्रतिस्पर्धा कौन कराता है हमारा कोई उस्ताद कराता है कोई हमारा उस्ताद तो इसको गुरु को उस्ताद कहते हैं सब है ना तो लिखा है जंग थाप पर रात भर कलगी तुर्रा गाया जाता है आपने लिखा होगा तो रात को हम लोग जब मिल जाते हैं तो अपने अपने एक प्रतिस्पर्धा करते हैं तो रात को हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वही प्रतिस्पर्धा कलगी तुर्रा आपको ऐसे भी देखना है है ना तो एक दूसरे को हमें क्या करता है प्राचीनतम लोक गायक है कलगी तुर्रा है ना दो अखाड़े होते हैं एक में कलगी एक में तुर्रा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा करवाने वाला कोई गुरु होता है उसको हम उस्ताद कहते हैं तो उस्ताद से जोड़ देना है इसको संत सिंगा जी मालूम होगा निर्गुणी संत बहुत महान संतों में गिने गए हैं संत सिंगा जी निर्गुणी शाखा के हैं ये गायन के लिए जाने जाते हैं और मृदंग और झां लिखा भी इनका ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये भजन बहुत फेमस है और निर्गुणी शाखा के बड़े महान हैं उनके नाम पे बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं वो अपन जानते हैं फिर निर्वाणी लोक गायन में एक और है मसान्या या गाय तो गीत है ना मसाण में जाना मसाण में जाना बोलते हैं ना पर लोग वहां जाते हैं तो ये लिखा है संबंधी गायन किया जाता है मृत्यु के समय में जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये मृत्यु लिखा ना मसान मसान्या है ना तो ये मृत्यु के समय में ही मसाण्य तो मसाण घाट या उसको बोल दिया जाता है कि जहां हम जाते हैं तो ये व्यक्ति का अंतिम होता तो उस समय भजन गाया जाता।, जाता है भी कहा जाता है मृदन का उपयोग किया जाता है इसमें है 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 ना गीत आत्मा आत्मा को दुल्हन की उपमा दी जाती पास कि जो आत्मा है, वो दुल्हन के समान है इसलिए उसकी गाने बजाकर उसको विदा करना है हाँ? ना और शरीर को दूल्हा है हाँ? ना दूल्हा कहा जाता है ये लिखा भी है तो आपको लिखा ही है मसाण मसाण में जाकर इसको करना इस तरह से आप कर सकते हैं फिर नाथपंथी लिखा है है ना तो स्वाभाविक है नाथपंथी क्या होगा नाथ योगियों से जुड़ा है है ना अलग प्रकार का लोक गायन पद्धति है लिखा भी इसको अलग प्रकार के लोक गायन पद्धति है है ना जोगी भगवा वस्त्र पहने है ना लिखा भी है है ना नाथ जोगी भगवान वस्त्र पहने हाथ में है ना केकड़ी अथवा रू रू बजा कर है ना गांव शहर में दिखाई देते हैं तो वही जोगी लिखा है इन्होंने उसको गोरख नाथ कबीर ये सब गाथा बरथरी का भी लिखा है इससे जोड़ते हैं इसको कुल मिलाकर इसको एक एक बार आपको देखना है बहुत डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है मेरा मानना है कि ये बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं है ना और गुण में गरबा है गरबा है ना तो गरबा स्त्रियों द्वारा होता है सब बहुत चर्चित है गरबा गरबी और गरबी लड़कों द्वारा होता है तो पुरुष गरबी करते हैं और स्त्रियां लिखा है गरबा है ये लोग है और जबकि आपको नीचे मिलेगा कि ये होता है है ना तो अनुष्ठानिक ये होता है नवरात्रि के समय मालूम है नवरात्रि के समय में होता है ये तो नवरात्रि से इसको जोड़ दें आप क्या होता है ना और गरबी मालूम है पुरुष से होता है ये पुरुष लिखा है ना तो पुरुष गरबा गरबी तो आप सबको मालूम है हर व्यक्ति गरबा के नाम पे सब कुछ समझता है तो इसमें ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है आप आते बुंदेलखंड लोग गए आला आना? तो आल्हा तो सबको मालूम है कि आला ये बुंदेलखंड या चंदेल शासकों के समय में एक महान जो साहित्यकार हुए हैं जगनिक उन्होंने आलाखंड लिखा है जिसमें आला उदल के बावन युद्धों का वर्णन है उन्होंने आलाखंड भी लिखा है और परिमल राशो भी लिखा है और रस पर है ना इस पर रस पर इसको गाया जाता है रस वीर रस इनका प्रधानता होती है और बड़े महान योद्धा हुए हैं जिनको याद रखते करते हुए आज भी आप चले जाइए मैहर में माता जी के दरबार में आला गाते मिल जाएंगे आप बुंदेलखंड चले जाइए आला गीत बहुत सामान्य गीत हैं और वहाँ के क्षेत्र में हर गाँव और कस्बे पर गाए जाते हैं वही लिखा है आला वीर रस लिखा भी है कि वीर रस प्रधान है आला है ना तो देखो वीर रस क्योंकि बावन युद्धों को जीता है तो उसमें वीरता का ही प्रतीक होगा है ना गायन है और वीर से वर्षा ऋतु पर में शाम को समय गाया जाता है तो आपको मालूम है बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु पर शाम के संग आला गाया जाता है तो बहुत सामान्य सा है भोला गीत भोला किसको कहते हैं शिव को कहते हैं तो देखो शिवरात्रि पे होता है बसंत पंचमी है ना मकर संक्रांति बसंत पंचमी और शिवरात्रि तो भोला किसको बोला गया है शिव को तो शिव को भोला गया, गया। तो शिवरात्रि से जोड़ दे और मां सरस्वती बसंत पंचमी की पूजा होती है वो भी बड़ी सीधी साधी देवी दे है मां सरस्वती तो बसंत पंचमी से जोड़ दिए भोला है <coughs> ना तो ये आप देख लोगे तो ये आसानी से बन जाएगा भोला है ना तो स्त्री पुरुष सबू रूप से गाए जाते है ना जो फिर आया है बैराइटा बैराइटा गायन जो है बुंदेलखंड का है ना बैराइटा मूल कथा गायन पर होता है यह लिखा भी है बैराइटा और अपन बात करें कि महाभारत में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई कथाओं पर तो बैर कब होता है बुराई कब होती है एक दूसरे से बुराई बैर कब हो जाता है जब युद्ध होता है तो महाभारत की कथाओं से दें उसके चरित्र और नायकों की पर गाई जाती है ना से तो ये देखेंगे और लिखा भी केंद्रीय रूप से एक व्यक्ति गाता है तो आपको देखना है कि बैराइटा मेरा बैर हो गया क्योंकि मैं युद्ध कर रहा था तो कोई हारा कोई जीता तो बैर हो गया और युद्ध फेमस है कौन सा कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र को महाभारत से जोड़ दीजिए और एक व्यक्ति गता है तो उसको जोड़ देना आप देवारी देवारी कुछ लोग देवारी कहते हैं कुछ लोग दिवाली कहते हैं दिवाली बोलो चाहे देवारी बोलो तो देखो दीवारी गायन है ना दोहों के रूप में होता है लिखा भी है और हम बात करते हैं दीवारी में आपने देखा गवली है ना बरेदली ये सब आपको देखा होगा दिवाली गायन होता है आपके घर घर में लोग आते हैं दिवाली में और ग्वाल है ना बाल पर मोर के पंख लगा कर गाते हैं तो ये आते हैं हुई आहु हुई आहु दिवाली तो बोले काय के लिए आए हैं भाई आप लोग तो बोले दिवाली गाने आए हैं तो आपने देखा होगा दिवाली के समय में जब दीपावली हमारी आती है उस पर देखा होगा आकर वो गाय के आसपास आकर गाय के प्रोग्राम भी होते हैं काफी उसी को आपको जोड़ना है धीरे धीरे कि क्या है ये ना तो इसको देखना दिवाली दोहों के रूप में भी गाया जाता है और कृष्ण और राधा के प्रेम से भी जुड़ा है क्योंकि कृष्ण भी गाय को गाय चराते थे कृष्ण भगवान तो उससे भी आपको जोड़ के देखना है ठीक है फिर देखो जगदेव का पुआरा गीत है ना ये भजन लिखा है इतना डिटेल आता नहीं लेकिन आप देख सकते हैं है ना कि जगदेव अश्वी मास पे लिख दिया है इन्होंने इसके बाद जवार और गीत पर भी जवार और गीत भी गाए जाते हैं देवगीतों के नाम से जाना जाता है तो इसको आप देख सकते हैं है? और फाग गीत तो सबको मालूम है फाग किसकी फेमस है वृंदावन की फाग वृंदावन की, की होली फेमस है तो वृंदावन की होली फेमस है तो स्वाभाविक है कृष्ण और राधा से जुड़ेगा ये है ना और आपने देखा होगा फाग में पुरुष ही होते हैं पुरुष प्रधान होता है फाग है ना तो उसी को आप जोड़ देना इसको और एक हरदौल की मनोती है ये बुद्धे में बघेलखंड दोनों में होता है ये वीरता प्रधान है हर वीरता प्रधान गायन है तो ये आपको ये भी आसानी से बन जाएगा मुझे लगता है अब आते हैं लास्ट नंबर बघेलखंड के लोक गायन बस देवा है ना बस देवा अगर आप देखोगे तो ये पारंपरिक गायन है पारंपरिक गायन है जो हर बोल जाति के लोग है ना हर बोल हर बोलो बुंदेलो में सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी तो यही हर बोल में इसमें और ये रामायण की कथा पर है ना कर्ण गाथा पर इस इसमें गाया जाता है तो बस देवा हमारे अंदर क्या बसा हुआ रामायण भगवान राम का चरित्र तो इतना महान है कि वो हमारे बसा हुआ है तो बस देवा को आप चाहे तो ऐसा जोड़ सकते हैं है ना तो हर बोले जाति के लोग रामायण गीतों पर आधारित और कर्ण कथा पर कर्ण भी बड़े महान लोगों में गिना जाता है तो किसका हमारे जीवन में प्रभाव होता है कौन हमारे जीवन में बस जाता है जो बहुत महान होता है कि कर्ण जैसे मित्र था कि मित्र अगर बुरा भी है लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ा इसलिए वो हमारे दिमाग में बसता है कि उसने साथ नहीं छोड़ा मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए कि अपने मित्र को किसी भी स्थिति पर छोड़ना नहीं इसी भगवान राम का चरित्र इतना महान हुआ है कि हम उनको वो हमारे जीवन में बस जाता है तो बस देवा कर लेना है ना तो वैसे कर लेना बिरहा गायन लिखा है है ना बिरहा गायन सभी जातियां गाती हैं तो बिरहा और वो आप बन जाएगा बांसगीत बासगी कथाओं पर आधारित तो है ये रागी और वादक तो बहुत छोटे छोटे हैं ये आप लोग कर लेंगे बघेलखंड में जनजाति द्वारा एक और ये भी गाया जाता है ना फाग फाग तो यहाँ भी होती है फाग अपन हम बुंदेलखंड में भी पढ़ते हैं फाग यहाँ भी फाग होती है आपको फाग के बारे में वही है है ना नगाड़े और सब बजा कर शुरू होता है नगाड़ों का ना तो आप तो फाग तो बन जाएगा फाग वही है पंडवानी पंडवानी पांडो से जोड़ देना पंडवानी मतलब पांडो है ना पंडवानी को पांडो से जोड़ना पंडवानी मतलब पांडव और पांडो मतलब महाभारत है ना पांडवों की कथा है इसमें लिखा है केवल कथा वचन ही नहीं होता इसमें कथा वचन लिखा है तो उसको जोड़ देना बस पंडवानी गायिका सुना होगा तेजनबाई छत्तीसगढ़ में बड़ी महान हुई है और बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मान उनको मिला है है ना तेजनबाई तो बहुत फेमस है घोटुल पाटा होटुल पाटा गीत एक दिखा मुनिया जाति या मुड़िया जाति पर होता है और कब हम अपने बाल कब घुटवाते हैं कब बाल कटवाते हैं जब मृत्यु हो जाती है मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है तो बाल कब घुटवाते हैं जब मृत्यु का अवसर आता है तो मृत्यु के अवसर पर हम बाल घुटवा लेते हैं तो आपको याद रखना है कि कब बाल घुटवाते हैं हम घोटुल पाटा लिखा है तो मुनिया या मुड़िया जनजाति से जोड़ देना है ना और सिर्फ मृत्यु के समय में मृत्यु के समय में हम अपने बालों को घुटवा लेते हैं उससे आपको दुखना है ना और इसके लिए हमारे घर में क्या बोलते हैं बुजुर्ग लोग कहते हैं तो बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन किया जाता है कि तो दादाजी बोलते चलो सबको बाल कटाने पड़ेंगे जब बाल कटाओ दादाजी बोलते हैं तो इसका गायन कौन करता है बुजुर्ग लोग करते हैं तो ये तीन चीजें याद रखना है कि मुनिया या मुनिया जल जाती है और सिर्फ मृत्यु के समय में होता है और इसको बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है याद हो जाएगा अपन क्वेश्चन तो बहुत आसान था इन सबको पढ़ना मुझे ऐसा लगता है कि आ, आसान है हमारे लिए ये सब पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बस पढ़ने का तरीका जरूर सीखें कि क्या तरीका होना चाहिए सब कुछ बनेगा बहुत मुश्किल नहीं है मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन इतना आता नहीं सबसे इम्पोर्टेंट तो वही था कि मध्य प्रदेश के लोक गायन को कितने हिस्से में विभाजित किया गया है वो चार थे सॉरी हम देखते हैं और चार के साथ साथ मालवा में क्या था हमने उसका कोट कर लिया निमाड़ में क्या उसका कोट कर लिया बुंदेलखंड में क्या है और बघेलखंड में क्या है वही इंपॉर्टेंट था बाकी तो डिटेल कभी कभी आता है सब तो पेपर में कभी कभी पूछ लेता है फिर आ गया मध्यप्रदेश के लोक नृत्य मेनली यहां क्या पूछ रहा है लोक नृत्य पूछ रहा है आप देखेंगे ये नृत्य की बात हो रही है लोक नृत्य तो मालवा में लिखा है रजवाड़ी तो राजवाड़ा एरिया तो मालवा में ही आपको मालूम है आडा खंडा लिखा है डंडा लिखा है मटकी लिखा है तो मटकी वाली आइसक्रीम फेमस है आपको पता होगा मटकी वाली आइसक्रीम फेमस है मालवा में तो आप चाहो तो इसको मटकी को डायरेक्ट याद कर लो ठीक है आपने देखा मालवा में विद्रोह जब हुए मालवा में हम देखते कि मालवा में जब अठारह की क्रांति विद्रोह हुए लोग घर घर से डंडा लेके निकल गए ऐसा कर लेना एक आडा खाड़ा लिखा तो ये आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो ना आप इसका भी एक कोड कर सकते हैं कि हम उसको कैसे याद रखें एक कोडिंग करके कर सकते हैं है ना तो आप कर सकते हैं इसको करें हम बोलते ना कई बार आ डंबर बोलते हैं ना आ डंबर आडंबर तो उसको हम याद करने के लिए बन रहे कि कुछ बोलते हैं आडंबर हैं परंपराएं हैं आडंबर हैं ऐसे कर लिया अपने तो कोडिंग किया है आडंबर आ से आ गया आडा आडंबर डा से क्या आ गया डंडा आडम ऊपर बिंदी लगा दी मां से क्या आ गया मटकी और रात से क्या आ गया रजवाड़ी आडंबर तो सभी लोग याद रखना आडंबर आडंबर से आ गया हम आडंबर की बात करें आडंबर से क्या आ गया या हम आडंबर की बात करें तो आ से क्या आ गया आडा डासे क्या आ गया डंडा मासे क्या आ गया मटकी और आसे क्या आ गया राज आडंबर आडंबर कर दिया आडंबर बर आडंबर तो आडंबर कर दिया तो आडंबर, आडंबर। ठीक है ऐसा कर सकते हैं है, है ना तो एक कोट तो ये हो गया निमाड़ में पड़ रहे हैं कि कटगौड़ भी है काठी भी है फेफ्रिया भी है मांडलिया भी है आडाखड़ा यहाँ भी है है ना ये लगभग नेमाड़ी और मालवा पास पास में इसलिए कुछ चीजें एक सी होती हैं जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में दोनों में आपने देखा था हम फाग था फाग फाग दोनों जगह था तो वही ये चीजें यहाँ भी तो आप चाहें तो इसका भी कोट कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है तो आम का है ना फगड़ा कर सकते हैं कोट कर दिया मान लीजिए इसका आम का फागड़ा आम का बाड़ा होता है ना आम का बगीचा होता है ऐसे आम का फागड़ा कर दिया आपने आम का फागड़ा आसे क्या आ गया अडा खड़ा यहां भी है यहां दोनों जगह है मां से आपने देखा क्या है मंडल्या है जबकि तो आम मटकी था है ना आपने देखा कासे क्या आ गया काठी आ गया यहाँ अपन ने देखा तो फिर आ गया यहाँ पास गासे देखा गरगौड़ आ गया और डासे आ गया डंडा नाच है ना तो एक ही चीज है कुछ चीजें जो कॉमन कौं, सी मिल रही है कि यहाँ पास आपको ये एक सा मिल रहा है एक सा मिल रहा है इसका रीजन ये है इन दोनों का एक सा मिलना है हाँ ना वो एक रीजन उसका यह कि मालवा और निमाड़ पास पास में है मालवा और निमाड़ में दोनों में बहुत नजदीकियां हैं इसलिए बुंदेलखंड और बघेलखंड सटे हुए हैं तो उनमें काफी चीज समानता मिलती है उसको आप कह सकते हैं ना है ना तो इसको वैसा कर सकते हैं कि ये दो चीजें बार बार आएंगी तो आपको है ना जैसे बोलते हैं ना आड़ा अड़चन आ रही बार बार अड़चन आड़ा तो आप इसको है ना अंडा कर दें अंडा अंडा ये बार बार अंडा यहां भी होगा अंडा यहां भी होगा बस इतना याद रखना कि अंडा मालवा में भी है और अंडा आपके निर्माण में भी है तो ये दो चीज कॉमन सी है उसको देख लेना अब बुंदेलखंड में बहुत सारे हैं बुंदेलखंड में बहुत सारे हैं अब उसको कोड करो तो अपन ने कैसे कन्नौज बरसे तो इसमें कोड है कन्नौज बरसे कन्नौज बरसे कन्नौज बरसे क्या रहेगा है ना तो कासे क्या आ गया आपने कन्नड़ा कर लीजिए फिर नासे क्या आ गया अपन देखें है ना नौटंकी आ गया आ गया ना फिर जासे क्या आ गया जवारा आ गया फिर बासे क्या आ गया बधाई आ गया रासे क्या आ गया अपन देखें है ना तो राई आ गया फिर सासे क्या आ गया तो सहरा आ गया बरसे तो आपको याद रखना है कि यदि मैं बात करता हूं मध्यप्रदेश के लोक नृत्य की बात है तो कोई डांस कर रहा है तो आपने बोल दिया मालवा में कोई डांस कर रहा है तो आपने बोले आडम्बर है आडम्बर आडंबर से आपने आडम्बर से क्या किया आडंबर से यहां कर दिया आडा खडा से डंडा कर दिया मां से क्या कर दिया आपने मा से मटकी कर दिया और क्या कर दिया रजवाड़ी और राजवाड़ा तो फेमस ही है मालवा में मटकी कुल्फी वहां की फेमस ही है आप वैसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं लेकिन अंडे आपको मालवा में भी मिलेंगे अंडे और अंडे आपको निमाड़ में भी मिलेंगे अंडे तो दोनों जगह मिलने वाले है। तो आसे बना है मालवा में भी है आप ऐसा भी कर आम का फागड़ा है ना जैसे फलूदा होता ना फलूदा तो आम का फागड़ा फेमस वर्ड है कि आम का फागड़ा कहा मिलता है निमाड़ में तो आम का फगड़ा निमाड़ में तो आम का फगड़ा से हो गया हमने देखा कि अडा खड़ा हो गया से मांडल्या हो गया से काठी हो गया से हो गया से से हो गया और डंडा नाच लेकिन फिर वही कि अंडा तो आपको मालवा में भी मिलेगा और अंडा तो आपको निमाड़ में भी मिलेगा इसी प्रकार जब बुंदेलखंड जाते हैं आप बुंदेलखंड तो कन्नौज बरसे आपको पता है बुंदेलखंड का आधा हिस्सा यूपी में आता है

तो कन्नौज बरसे क्योंकि तो वहां इत्र बहुत होता है कन्नौज में तो बरसेगा चारों तरफ इतर ही इत्र बरसता है वहां तो बरसे तो कन्नौज बरसे बुंदेलखंड का कोट कर लिया अपन ने कि आपको आराम से याद हो गया कान, है ना कानड़ा है ये तो बन जाएगा ना से नौटंकी है नौटंकी वैसे ही यूपी का फेमस लोक नृत्य है नौटंकी पूरे यूपी का फेमस है है ना और जैसे आपको मालूम है ये जवारा जवारा भी बड़ा फेमस होता है वहां आपको मालूम है वह आपको मालूम है बधाई बधाई भी फेमस है राई तो जानते ही आप राई और राई का जो अगला स्टेज होता है सॉन्ग होता है वो भी आप जानते हैं तो इस तरह से आपको जोड़ना है अब आता है बघेलखंड बघेलखंड जहां बाघ मिलता है है ना तो अपन उसको कहना तो बिक्कू पसंद कर सकते हैं आप लोग क्या बिक्कू पसंद कर सकते हैं बिक्कू पसंद बी से बिरहा आ गया बी से बिरा हो गया से अपन ने देखा कलसा हो गया बिरहा और कलसा हो गया तो बिक्कू कवर कर लिया अपन ने है ना और से कहरा हो गया तो आ गया ना बिक्कू कवर बिरा कलसा कहरा बिक्कू हो गया पसंद पर धोनी सा से से दादर बिक्कू पसंद अपन को बिक्कू पसंद है वहां तो बिक्कू पसंद कहां का कोड है तो कोड याद हो जाएगा बिकू पसंद तो बी से हमने बिरहा कर लिया का से कलसा कर लिया कहरा कर लिया कहरा और बिरहा ये तीन हो गए बिक्कु. पसंद पर धोनी कर दिया सैला कर लिया और दादर कर लिया पसंद तो बिक्कू पसंद तो बिक्कू मतलब बिरहा आ गया कलसा कहरा बिक्कू पसंद पर धोनी और दादर पसंद भिक्कू पसंद और वही हमने बुंदेलखंड में बुंदेलखंड का आधा हिस्सा मान लेते हैं कन्नौज को टच करता है तो कन्नौज बरसे क्योंकि एत्र बहुत है वहां तो कन्नौज बरसे तो कन्नौज बरसे कोड है कहां के लोक नृत्य का कन्नौज बरसे कहां का को लोक नृत्य है आपके उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच में जो बुंदेलखंड है वो तो कन्नौज बरसे कानड़ा हो गया है ना ना से एक हम नौटंकी हो गया हम देखते हैं नोटंकी हो गया जैसे जाबरा हो गया तो कानड़ा नोटंकी और जाबरा कन्नौज बरसे बधाई राई और सैला बरसे कन्नौज बरसे है ना और हमने बिक्कू हमने पढ़ा था कि बिक्कू पसंद बिक्कू पसंद तो बहुत अच्छा होगा एक बार मेहनत करनी है कि मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन में आ गया कि बगनेल खंड के कोई पांच लोक नृत्य लिखिए तमखट तो से याद रहेगा बिक्कू पसंद बिरहा आ गया कलसा आ गया कहरा आ गया बिक्कू पसंद मतलब परधोनी आ गया आ गया परधोनी है ना तो वही है हमको आराम से इंट्रो में पूछेगा तो बता देंगे कंफ्यूजन नहीं कोड का फायदा है बिक्कू पसंद जब हम जाते हैं बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड का आधा हिस्सा यूपी कन्नौज की तरफ जा रहा है मान लो तो कन्नौज भरसे कन्नौज भरसे से हम पूरे बुंदेलखंड के लोक नृत्य कर सकते हैं आसानी से और वैसे कुछ लोग ने तो आपको राई पहले से याद है नोटंकी यूपी में होता पहले से याद है दादर आपको पहले से याद है कुछ चीजें तो पहले से भी याद रहती है कोई बहुत आपके लिए आ, मुश्किल का विषय नहीं सामान है सामान्य विषय लेकिन कोट करके कन्नौज भर से हम और अच्छा कर सकते हैं फिर हम आ गए हमने निमाड़ आम का फगड़ा क्या खा रहे हैं आजकल अपन आम का फगड़ा आम का फगड़ा कहां का कोड है आपके निमाड़ का और निमाड़ में भी अंडे होते हैं और मालवा में भी अंडे होते हैं तो दोनों अंडा वाला जो कोड है आड़ा खड़ा लिखा पन्ने जो आड़ा खड़ा तो ये यहां भी होता है और हम देखें तो मालवा में भी होता है और निमाड़ में भी होता है और डंडा दोनों जगह तो 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 पढ़ना है, है मालवा और निमाड़ में होगा यहाँ कंफ्यूजन बुंदेलखंड और बघेलखंड में होगा कोड तो मालवा का कोड हो गया अडम्बर आडम आडम्बर अडम्बर कर दिया ने कहां के हैं मालवा का ठीक है ना और हमने देखा आम का फागड़ा निर्माण कर लिया आम का फागड़ा कन्नौज कोड है कन्नौज का कन्नौज तो तरफ जाता है ऐसा कर लेंगे और बिकु पसंद है किसका? बगल। ये हमारा सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए फिर हम इसके डिटेल पे जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं आ रहा है बहुत आसान है पढ़ना जो हम शुरू कर रहे हैं पढ़ाई उसको हम कितने आसानी से पढ़ सकते हैं ये मैं बताना चाहता बस इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है कि आडम्बर आडम्बर कहाँ का है मालवा का कोड है हमने देखा आम का हमने देखा आम का फगड़ा निबाड़ का कोड है कन्नौज बरसे कोड हमारा बुंदेलखंड का है और हम देखते हैं बिक्कू पसंद हमारा कोड कहाँ का है तो बिक्कू पसंद घेल खंड का कोड है कन्नौज बरसे कोड है हमारा तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बिकू पसंद मतलबी सैला और दादर ये आ गया हमारा बिक्कू पसंद फिर कन्नौज बरसे ये बुंदेलखंड का कोड है कसे का कानड़ा आ गया ना से नौटंकी आ गया जावरा आ गया यहां जवारा आ गया जवारे तो आप जानते ही हैं जवारे हर गांव घर में निकलते हैं जवारे जवारा आ गया बरसे बधाई हो रासे राई आ गया और सा से हम सैरा आ गया बधाई हो आपको सैरा बंध गया है बधाई हो तो बधाई दी सैरा बांधा और राई आ गया है ना आपने देखा और एक होता है हम देखेंगे ढीमराई भी होता है राई और डिमराई आप कर सकते हैं ढीमराई भी उसको कर सकते हैं याद कर लिया तो ये ई राई।, राई से जुड़ा हुआ राई धीमराई एक ही चीज है हो सकता है छोटा भाई बड़ा भाई हो तो इसलिए अपन ने इसको कोड नहीं किया है ना फिर निमाण निमाड़ में क्या आम आसे वही हमने कहा अंडा तो दोनों जगह मिलेगा ना? तो है ना तो अपन वैसा कर सकते हैं है ना तो अपन ने देखा आसे क्या आ गया अपने देखा खड़ा आ गया मांसे क्या आ गया अपने देखा मांडल्या आ गया कासे क्या आ गया काठी आ गया फांसे क्या आ गया फेवरिया आ गया से क्या आ गए आ गया डासे क्या आ गया डंडा नाच लेकिन अंडा तो दोनों जगह मिलेगा सब अंडा तो दोनों जगह मिलेगा ठीक है ना तो अंडा दोनों जगह है तो अपन को चाहो तो दो बस पढ़ना है है ना? कि क्या करना है ये इसी को अंडा मर कर सकते हैं इसको अंडा मर तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि अंडा मर इससे से अड़खड़ा डंडा नाच दोनों जगह हो गया मां और ने देख लिया मां से मटकी और मटकी में राजवाड़ी कुल्फी बहुत पसंद आती है मटकी की राजवाड़ी कुल्फी सबको बहुत अच्छी लगती है है ना तो राजवाड़ी कुल्फी अच्छी क्यों लगती है आपको क्योंकि वो मटकी में होती है और अंडा जैसे होती है मटकी तो आप उसको रिलेट भी करें तो जब हम इसके टॉपिक में जाएंगे तो उसको भी हम रिलेट करेंगे तो ये आसान है पढ़ना जो मैं समझ पा रहा हूं कैसे हम इसको पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं फिर इसी के बारे में डिटेल लिखा हुआ है कि आडा खड़ा रजवाड़ी या लिखा है नृत परंपरा किसी भी अवसर विशेष पर संपूर्ण मालवा में होती है है ना ये लिखा भी है इसको अपन कर सकते हैं देखो आडा खड़ा रजवाड़ी नृत्य होता है ये किसी विशेष विशेष देखी जा सकती है लिखा है आराम से बन जाएगा है ना और यहाँ लिखा है महिला प्रधान नृत्य है ना और नृत साड़ी के पल्लू को पकड़कर आड़ा खड़ा नृत्य करते हैं उसको देखना है मटकी नृत्य मालवा में एक समुदाय विशेष है ना सामुदायिक नृत्य है बहुत सारी मटकियां लेकर एक साथ चलते हैं जो तो वैसा कर देंगे बहुत सारी मटकियां लेकर है ना नृत्य क्या है है डोल ना या लिखा है सब आराम से बन जाएगा ये सब पढ़ना इसका डिटेल में कोई दिक्कत नहीं जाएगी वो कहाँ का है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है है ना तो उसको देख सकते हैं इसको मैं बता भी दूंगा आपको गठगौर सुना होगा इसमें बहुत सारा धार्मिक लोक नृत्य है ये तो है ना गठगौर पूजा भी होती है आपने हो तो धार्मिक लोक नृत्य तो होगा चैत्र मास पे होता है ये भी आपने लिखा है है ना ढोल थाली ये सब लिखा रहता है चल किया है ना और धनियार सूर्यदेव और रनुवाई है ना उपासना करते हैं लिखा देवताओं की ये अपन बाद में अच्छे से देखेंगे इसको पढ़ते जाएंगे है ना ये काठी काठी भी आपको मालूम पार्वती की तपस्या से संबंधित है काठी है ना तो पार्वती की तपस्या से संबंधित मात्र पूजक है ये है ना माँ पार्वती माँ पार्वती तो मात्र पूजक ही कहलाएंगे काठी को जोड़ लेना आप लोग ये काठी को अपन डिटेल पे पढ़ लेंगे और महाशिवरात्रि शिव के लिए तो महाशिवरात्रि बहुत फेमस होती है वो देखेंगे फेवरिया लिखा है इन्होंने फेवरिया एक पारंपरिक सामूहिक नृत्य है जिसमें लिखा है तो ये सब मैं एक बार डिटेल पे बात करूंगा है ना कि इन पे क्या क्या होता है कैसे होता है वो हम पूरे नृत्य को जरूर देखेंगे है ना मांडल्या लिखा है पर जिसमें पुरुषों द्वारा है ना ढोल थाप किया जाता है तो इसको डंडा नाच लिखा है चैत्र वैसाख में होता है 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 ना डंडा नाच तो जाता जिससे असाढ़ ये, ये भी याद कराऊंगा मैं आपको कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये है कि इसके डिटेल से जानने से पहले आप इसको कोडिंग को पहले याद रखो मैं इसको तो बहुत अच्छे अच्छे समझा दूंगा च में क्या क्या आएगा या अड़ाखड़ा नृत्य में क्या आएगा हम इन सबको बहुत अच्छे से देख लेंगे कि बुंदेलखंड लोक नृत्य में क्या आएगा ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा है ना ये कन्नड़ा नृत्य में क्या होगा ये सब हम अच्छे से देखेंगे पहला उद्देश्य था कि आपका क्लासिफिकेशन क्लियर हो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है वो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन है इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती कुछ नृत्य को जैसे गटगौर को पूछ सकता है गरबा गरबी को कुछ नृत्य को बहुत डिटेल में पूछेगा जैसे राई को पूछ लेता है है ना कि ये प्रसिद्ध है आपने देखा होगा हर्ष उल्लास में गाँव में देखा ना शादी विवाह में राई बजा दो बोले राई बजा दो अपन डांस करने लगते हैं तो जो बहुत चर्चित है है ना उसको अपन बोलेंगे कि राई क्या है कैसा है उसको देखेंगे है ना और यहाँ लिखा भी है कि राई बुंदेलखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य है है ना हर्ष उल्लास के साथ गाया जाता है राई के नृत्य को की होती है जैसे बुद्धिर में ये सब नाम दिया जाता है आपको दिखा होगा है ना और जब इसकी विराम स्थिति आती है इसको स्वांग बोलते हैं तो वो भी अपन देखेंगे कि इसकी विराम स्थिति में क्या है तो अपन दूर तो आप कहने का मतलब यह है कि जो मैंने आज आपको क्लासिफिकेशन बताया है मोटा मोटा जो क्लासिफिकेशन बताया है दो चीजों का बताया या दो हम कह सकते तीन सबसे पहले तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कि मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को हमने कितने हिस्से पर बांटा है तो हमने उसको देखा कि मध्य प्रदेश का लकी नंबर पाँच है तो पाँच हिस्सों में बांटा है हमने देखा है लोक गायन है लोक नृत्य है लोक नाट्य है लोक चित्रकला है और शिल्प कला है हमने उसको बांटा है ठीक है इसके बाद हमने लोक गायन को बांटा लोक गायन के बाद लोक नृत्य को बांटा तो ये क्लासिफिकेशन आपको एक बार देखना है और हम एक पढ़ने का एक सिलसिला धीरे धीरे शुरू करेंगे बस एक अभी ये जो क्लासेस हैं एक मोटिवेशनल क्लासेस के रूप में है कि आप मोटिवेट हों और आगे बढ़ें फिर यदि लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है इस तरह की क्लास में आपको समझ में आ रहा है दिक्कत नहीं हो रही आपको हेल्प मिल रही है पढ़ने में या आप कोड कर पा रहे हैं या मेरे पैरलर आप पढ़ पा रहे हैं यदि आपको सबको अच्छा लगेगा तो हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे वरना फिर हमें ऑफलाइन क्लासेस का वेट करना पड़ेगा लेकिन आपको लग रहा है कि इस क्लासेस से आपको लाभ हो रहा है मैंने फिर कहा कि आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको बस क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा एट्टी टू नाइनटी परसेंट चांसेस है कि वो क्लासिफिकेशन तक ही पूछा जाता है कि मालवा का है निमाड़ का है बुंदेलखंड का है बघेलखंड का है पूछा जा कुछ चीजों पर डिटेल होगा कि कोई राई को बहुत अच्छे से पूछ रहा है आला को अच्छे से पूछ रहा है कि आला क्या है या जो बहुत चर्चित है स्वांग है उसको पूछ सकता है काठी को पूछ सकता है गरबा गरबी को पूछ सकता है है ना गढ़गौर को पूछ सकता है उनको हम ऐसे पाँच सात चीजों को बहुत डिटेल पे देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे जो बार बार आते हैं त्योहारों का एक बड़ा महत्व होता है मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति में जरूरी नहीं कि क्लासिफिकेशन के हर पार्ट को हम बहुत डिटेल में जाएं और बहुत डिटेल में पढ़ें यह फिल्म एग्जामिनेशन पे ऐसा नहीं आता इसलिए बहुत ही सामान्य सी चीजें आती है अभी तक ये पूछा गया है कि स्वांग और राई कहाँ का है बुंदेलखंड का कि बघेलखंड का ऐसा पूछा है गठगौर कहाँ का है ये पूछा गया है बिरहा कहाँ का है ये पूछा गया है बिरहा के अंदर क्या होता है कैसे होता है ये नहीं पूछा गया आप परेशान बिल्कुल मत हो है ना राई है आपको मालूम है राई हमारे यहाँ शादी विवाह है जब कोई भी खुशी का पर्व होता है राई गाया जाता है लेकिन जब उसका एक लास्ट स्टेज होता है स्वांग होता है वो अपन आसानी से पढ़ लेंगे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम उसको कवर कर लेंगे ठीक है तो आपको अभी क्योंकि कला और संस्कृति पढ़ने में थोड़ा सा समय भी लगता है और आप लोगों के लिए थोड़ा नया टॉपिक होता है इसलिए मैंने आज अपन जिस तरह से पुरानी परंपरा से पढ़ते थे कि क्लासिफिकेशन करके पढ़ते थे अपन लोग हर चीज़ का क्लासिफिकेशन करते थे मैंने उसी तरह की कोशिश की है क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी का तो नॉलेज बहुत कम है लेकिन मेरी मेरा प्रयास था कि आपको सभी को थोड़ा सा उसी पैटर्न पे पढ़ाऊं जैसे मैं पहले पढ़ाता था तो वही है मैंने स्टार्ट यहीं से किया था आपने देखा था कि कला क्या है मैंने कला बताया संस्कृति क्या है फिर बताया फिर ये क्लासिफिकेशन बनाने की कोशिश की कि लोक गायन है लोक नृत्य है लोक नाट्य है लोक चित्रकला है और शिल्प कला है ये बनाया फिर मतलब इसके लोक गायन का डिवीजन किया बायदे कैसा होता है फिर उसकी थोड़ी डिटेल भी लिखी थी मैंने डिटेल के बारे में फिर इसके बाद इसकी डिटेल पूरी होने पर हमने जो नृत्य थे लोक नृत्य हैं उसको भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया कि लोक नृत्य कैसे हैं ये लोक नृत्य क्या है फिर मालवा निवाड़ इसको ऐसे ही मैं चित्रकला का भी करूंगा शिल्प कला का भी करूंगा, करूंगा। चित्रकला और शिल्प कला को क्योंकि पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ें ये क्लासिफिकेशन आप प्री में तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही मेंस में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप टेन वर्ड लिखेंगे आप इस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग लिखेंगे बहुत अच्छा लगेगा जब आप फिफ्टी वर्ड लिखेंगे तब अच्छा लगेगा जब इंटरव्यू में इतना सिस्टमेटिक बताएंगे तो लगभग मार्क्स पूरे मिलेंगे इसलिए मेरी कोशिश है और जब भी आपको कहीं कोई दिक्कत जा रही है देखने में समझने में वर्ड समझ में नहीं आ रहे वो भी आप मेरे नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करें मेरा नंबर जो है आपको सबको मालूम है डबल एट पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस डबल एट पंद्रह जीरो आठ उन्नीस सौ सैतालीस इसमें मुझे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं कि ये दिक्कत जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा ये याद नहीं हो रहा इस तरह की चीजें नहीं हो रही तो मुझे दो तीन क्लासेस के बाद पता चल जाएगा कि आप लोग को क्योंकि अभी तक मैं बच्चों को देख कर उनके फेस को देख कर उनके एनर्जी लेवल को देख कर उनकी साइकोलॉजी को देख कर पढ़ाता था लेकिन अब एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन आप सभी को ना होते हुए भी लेकिन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैसेज करके बता सकते हैं सर कि हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हम इसको कैसे करें और कोई भी मार्केट से जो भी आपके पास मध्य प्रदेश की किताब हो इस टॉपिक को निकाल लेना कला संस्कृति के टॉपिक को वहां आपको सब कुछ मिलेगा आप महावीर पढ़ रहे हैं आप पुण्यकर पढ़ रहे हैं आप वर्णवाल पढ़ रहे हैं आप महेश्वरी पढ़ रहे हैं कोई भी किताब एक हो और कला संस्कृति वाले टॉपिक को उठाना और उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा कोई आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा बहुत सारी बस मेरा उद्देश्य था कि हम इसको क्लासिफिकेशन वर्ड पढ़ के पढ़ेंगे तो कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे और हम न केवल बल प्री बल्कि मैं और इंट्रो में भी हमारा इसमें सहयोग मिलेगा और इसके बाद हमारी जो रेगुलर क्लासेस हम मंडे से एक शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम भी फिक्स कर लेंगे अभी टाइमिंग का भी बहुत इशू है आ, कभी कितने बजे करना है क्या क्योंकि अभी टीम बहुत कम आ पा रही है कोविड के डर से बहुत कम लोग आते जाते हैं इससे टीम का थोड़ा सा इशू रहता है इससे थोड़ा आगे पीछे टाइम हो रहा है लेकिन मेरा विश्वास है कि हम दो तीन दिन के अंदर अपने क्लास को बहुत सिस्टमेटिक कर लेंगे और पूरा एक टाइम स्लॉट बना लेंगे इतने टाइम पर ये करना है और मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये भी लिखें क्या आप दो तीन चार घंटे की क्लास फेस कर सकते हैं क्योंकि तो मोबाइल में कंटिन्यू देखना भी आपके लिए एक चैलेंज का विषय होगा कुछ लोग ऐसे भी ना हो कि मोबाइल चालू करके बाजू में सो गए है ना बाजू में चालू कर कर उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं लेकिन अगर जब आप इसको गंभीरता से लेंगे तो मुझे भी खुशी होगी मैं भी एक नया प्रयोग कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में तो ये तो हम फिर लाइफ टाइम जुड़ पाएंगे आपके सिलेक्शन के बाद भी कोई बात मुझे कहनी होगी तो मैं आप सबसे ऑनलाइन जुड़ पाऊंगा तो ये एक अच्छा प्रयास है और समय के अनुसार टेक्नोलॉजी से भी हमें अपडेट होना चाहिए ये मेरी कोशिश है तो आप सभी लोग मुझे इसका मैसेज करें कि हम मध्य प्रदेश जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है समझ में आ रहा है नहीं क्योंकि टॉपिक हमने थोड़ा सा कठिन सा स्टार्ट किया है थोड़ी सी दिक्कत जारी होगी लेकिन धीरे धीरे सब बनेगा कहीं रिपीट भी करना होगा रिवाइज़ भी करना होगा हम वो भी करेंगे कल जो क्लास करेंगे उसमें पहले क्लास में करेंट इवेंट्स लूंगा फिर इसी को मध्य प्रदेश को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम कला संस्कृति के चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हम मानेंगे कि हमारा ये हो गया और इसके बाद हम भारत का भूगोल जो है हमारा जो इंडियन जोग्राफी बचा है हम उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा लगे कोशिश होगी और भी जो पढ़ाने के दौरान कोई अच्छी चीज़ आपके बीच में आ रही है कोई यूट्यूब चैनल में अच्छा मिलता है अच्छा प्रयास कोई कर रहा है उस लिंक को भी आप मेरे से, से शेयर कर सकते हैं मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप में कि इसको भी जोड़ के देखें सर तो सबको फ़ायदा होगा सबको अच्छा लगेगा तो वो भी मैं सीखने का प्रयास करूंगा कि वो भी आपको आपके माध्यम से बाकी बच्चों को भी उसका लाभ हो ठीक है तो अपन इसका प्रयास करते हैं हम कल से एक निश्चित टाइम पे आपको एक मैसेज कर देंगे कि आपकी क्लास कितनी कल क्लास थोड़ा और भी बढ़ाएंगे हम कल ढाई तीन घंटे की क्लास करेंगे और कल क्योंकि हमें तीन चीज़ों को कवर करना है आपके करंट इवेंट्स वही करेंट इवेंट्स में स्पीडी से पढ़ाऊंगा आप स्पीडी से ही लें बस मेरा उद्देश्य होगा कि स्पीडी का जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको याद कराऊंगा उसको मैं रिलेट कराऊंगा तो आप स्पीडी सब लोग लेके रखें स्पीडी सबके पास होगी स्पीढ़ी का जो चैप्टर मैं बोलूंगा वो आप अपने घर में उसको खोल लेना अपन जैसे क्लास में उसको याद करते थे उसको उसी चैप्टर को निकालेंगे वो आपके हाथ में होगा और मैं यहाँ से एक्सप्लेन करते जाऊंगा रिलेट करते जाऊंगा कोड करते जाऊंगा आप उसको देखते जाइए आपको याद होता जाएगा और बहुत अच्छे से हम सेशन से चलाने का प्रयास करेंगे और जैसे ही हमें गवर्नमेंट के माध्यम से ऑफलाइन क्लासेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सर मिलेगा कम बच्चों के साथ मिलेगा तो हम अलग अलग क्लासेस बनाकर करेंगे लेकिन बहुत खुशी होती है जब आपको देखकर पढ़ाता हूँ आपको आपकी एनर्जी को आपके मन को और जब आपको पढ़ाते हैं और आपको बनती है चीज़ें बहुत अच्छी लगती है दूसरी चीज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पढ़ाने के बाद आप घर में आपके पास मध्य का जो क्वेश्चन बैंक होगा आप उसको सॉल्व करें सॉल्व करने से पता चलेगा कि कला संस्कृति जो सब पढ़ा रहे थे क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं तो सभी लोगों ने एम का एक आपने देखा होगा प्रैक्टिस पे सेट ले लिया था उस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसका कला संस्कृति का चैप्टर निकालें और उसके क्वेश्चन का पैटर्न देखें कि कैसा आता है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बन रहा है क्या आपको देखने में नजर आएगा कि ऐसा ही पूछता है कि भरथरी कहाँ का नाट कहाँ का हम देखते हैं लोग गायन हैं या पूछ लेता है कि राई कहाँ का है सॉन्ग कहाँ का है बिरहा कहाँ का है ऐसा ही पूछने का तरीका है कुछ चीज़ों को लेकर वो डिटेल में जाएगा हम उसको भी डिटेल पर जाकर देखेंगे ठीक है आप सभी क्लास से जुड़े थैंक यू वेरी मच मैं फिर प्रयास करूँगा कि और अच्छे से अच्छा कर सकें Thank you. Jai Hind.